पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण में हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें अध्यास को लेकर के विचार चल रहा है, क्योंकि तो आत्मा में ही सब पूरा संसार कल्पित है। जीव भाव और जगत भोग आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कल्पित है। ते जो संसार का ज्ञान हो रहा है आत्मा में, ये सब भ्रांति से, तो लौकिक भ्रांति को दृष्टांत बना करके जो आत्मा में भ्रांति हुई है इसको यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ग्रंथकार। तो यहाँ पे दिखाए सामान्य अंश और विशेष अंश की बातें आ गई, फिर अब कल ये भी आ गया कि वहाँ पे जो है स्वयं और हम दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि जो अन्यता का प्रतिद्वंद्वी है वह स्वयं, और त्वंता का प्रतिविधि त्वंता तुम रूपता, सामने वाले को तुम कहते हो, उसका विरोधी अहम मैं, इसलिए दोनों अलग अलग के प्रतिद्वंदी हो रहे, विरोधी हो रहे। इसलिए कूटस्थ अलग है, चिदाभास अलग है, अहम अलग है। तो ये जो है इस तरह से दोनों में भेद होने पर भी अत्यंत मोह को प्राप्त करके अज्ञानी लोगों ने कूटस्थ और चिदाभास की एकता को मान लिया। इसलिए चिदाभास में होने वाले संसार को शुद्ध आत्मा में कल्पना कर लेते हैं, आत्मा में ही मान लेते हैं। इस जो एकत्व भ्रम है इसका कारण क्या है? अनादिकालीन अविद्या। इसलिए उस अविद्या की निवृत्ति होने पर पूरा कार्य निवृत्त हो जाता है। ये बता दिए थे, श्लोक नंबर 52 तक हो गया था। आगे देखिए, ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्ति वृत्तेतद् अनुपपन्नम्। अध्यास अविद्या का कार्य है, इसलिए अविद्या की निवृत्ति से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। कारण को हटा लेने से कार्य हट जाता है, क्योंकि कारण से वह कार्य हुआ है, ये आप बता रहे हो। तो अध्यास अविद्या का कार्य होने से, अविद्या की निवृत्ति से अध्यास की निवृत्ति जो आप बता रहे हो, इत्येतद् अनुपपन्नम्, यह बिल्कुल अनुपपन्न है, युक्ति संगत नहीं है। क्यों युक्ति संगत नहीं है? पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है युक्ति संगत नहीं है। क्यों युक्ति संगत नहीं है? तो बता रहा है पूर्व पक्षी, ब्रह्मात्मेकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अविद्या कार्य से देहादेर उपलभ्यमानत्वात्। क्योंकि जो जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो विद्या है, ब्रह्मात्मेकत्व, ब्रह्म ही आत्मा है, इनकी जो एकता रूपी अविद्या, ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नहीं है, जीव भाव कल्पित है, ते जो एक एक ब्रह्मात्मेकत्व रूपी विद्या की उत्पन्न है, यानी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होने पर तो भी अविद्या का कार्य देहादि दिखता है, ज्ञानी का भी शरीर आदि दिखाई पड़ता है। अगर अध्यास अविद्या का कार्य होता तो कारण को हटा लेने से कार्य हट जाता है,
अविद्या के नष्ट होने पर भी देहादि की उपलब्धि कैसे हो रही है? देहादि क्यों दिखाई पड़ रहे हैं ये बताइए। इसलिए इत्यतः, इसलिए ऐसी आकांक्षा होने पर अब बताएंगे कि क्यों जो है ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति हो गई तो भी शरीर आदि दिखाई पड़ते हैं ज्ञानी का शरीर, क्योंकि ज्ञानी का शरीर अगर रहे ही ना तो शास्त्र भी, कई शास्त्र वाक्य भी बाधित हो जाएंगे, क्योंकि जो आया है गुरु के पास जाओ तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस आत्मा को जानने के लिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास समित पाणी होकर के जाए। और ऋषि लोग देखिए प्रश्नोपनिषद में भी 6 ऋषि लोग पिपलाद महर्षि के पास गए हैं, नारद जी सनत कुमार के पास गए, और जो जितने भी ज्ञानी हुए हैं चाहे वो सब शास्त्र में आए हैं चाहे वर्तमान काल में भी जितने भी ज्ञानी हुए सब गुरु की सन्निधि में जो है जाके बहुत दीर्घ काल तक साधना किए हैं। तो ज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब अज्ञान हट गया है ज्ञानी में तो उनका शरीर आदि क्यों दिखता है? और शरीर आदि दिख रहा है तो इसलिए हम मानते हैं कि अध्यास अविद्या का कार्य नहीं है। अविद्या का कार्य होता तो अज्ञान के नष्ट होने से इस कार्य का भी नाश होना चाहिए। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर इसका समाधान देने के लिए 53 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। अविद्या वृति तादात्मे विद्यैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। अविद्या वृति तादात्म्य, अविद्या और अविद्या से जो आवरण है, और तादात्म्य अध्यास यानी कूटस्थ और चिदाभास का एकत्व भ्रांति, चिदाभास मिथ्या है कूटस्थ सत्य है। देखो जो जीव ब्रह्म की एकता बताते हैं, आप यहां कूटस्थ और जीव की एकता को भ्रांति बोल रहे हो। शास्त्र में तो कहा गया जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से मुक्ति होती है, त्यां जो मुक्ति का प्रयोजक जो एकता का ज्ञान है जीव ब्रह्म की, वहां जीव शब्द का अर्थ लेना शुद्ध आत्मा जो सर्वांतर, इसलिए लक्ष्य में एकता कही जाती है। विशिष्ट में एकता तो नहीं होती ना, विशेषण मिथ्या होने से, उपाधि मिथ्या होने से औपाधिक रूप भी मिथ्या होता है, इसलिए उपाधि का निराकरण करके वो एकता बताते हैं। इसलिए जीव ब्रह्म की एकता में जो एकता का है, जिस एकता के ज्ञान से मुक्ति होती है, वहां तो एकता मतलब दोनों शुद्ध, दोनों चैतन्य शुद्ध ही एक ही है, अलग अलग नहीं है, उपाधि से रहित जो रूप है उसमें एकता है। और जो जीव जिसको कहते हैं उपाधि को लेकर के, वह तो मिथ्या है। इसलिए वहां बताया कि कूटस्थ और जीव की जो एकता है दोनों में भेद स्पष्ट है, इसलिए जो एकता है भ्रांति से एकता को प्राप्त करके, जो 51 नंबर श्लोक में आया स्पष्टे भी मोहमापन्ना एकत्वम प्रतिपेदी रे, दोनों का भेद अत्यंत स्पष्ट होने पर भी मोह को जो प्राप्त किए हुए लोग हैं अज्ञानी लोग एकत्व को जान लिए, तो वहां पे उस तरह से लेना। जो उपाधि वाला जीव का स्वरूप है वह मिथ्या है, यहाँ जो जिस ज्ञान से मुक्ति है जीव ब्रह्म की एकता, वो तो लक्ष्य में एकता होती है। तो अविद्या वृति तादात्म्य विद्यैव विनश्यतः, विद्या के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से जो लक्ष्य में एकत्व है, दोनों एक ही चैतन्य, तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या आवरण और तादात्म जो एकत्व भ्रांति है कूटस्थ और अहम में, ये सब के सब तीनों के तीनों विद्या के द्वारा ही विनष्ट हो जाते हैं।
अच्छा दो वचन है यहाँ, अविद्या वृत्ति तादात्म्य, अविद्या के द्वारा होने वाले आवरण और तादात्म्य, ये दोनों तो विद्या के द्वारा ही विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विद्या के द्वारा विद्या का नष्ट हो गया, तो विद्या से जो जनित आवरण और तादात्म्य एकत्व भ्रांति, ये दोनों के दोनों जो है विद्या के द्वारा विनष्ट हो जाते हैं, जो तादात्म्य अध्यास जो है जीव कूटस्थ में एकत्व का भ्रम है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन विक्षेप नष्ट नहीं होता। जो विक्षेप है शरीर इंद्रिय आदि ये सब दिखाई पड़ेंगे, विक्षेप से स्वरूपम तु प्रारब्ध क्षयमिच्छति, विक्षेप जो शरीर इंद्रिय विषय ये सब जो है प्रारब्ध क्षय की अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि जो प्रारब्ध शुरू हुआ है प्रारब्ध ज्ञान के विरोधी विरोधी नहीं है, जो प्रारब्ध कर्म है वो ज्ञान के अनुकूल है, इसीलिए ज्ञान की उत्पत्ति होने दिया उसने। अगर वह प्रारब्ध कर्म ज्ञान के प्रतिकूल होता तब तो ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं। जैसे कोई अत्यंत नास्तिक व्यक्ति है वो साधना ही नहीं करेगा, उसका प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि वो साधना ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं इसलिए साधना नहीं करेगा, उसमें ज्ञान होगा ही नहीं। तो अगर प्रारब्ध कर्म ज्ञान का विरोधी होता तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, लेकिन ज्ञानी का जो प्रारब्ध है अनादि संचित जो पुण्य कर्म है ना, वो पुण्य कर्मों से जो है वो उसके अंदर सद्विचार आता है, गुरु की सन्निधि में जाता है, इसलिए सिद्ध होता है कि जो प्रारब्ध कर्म ज्ञानी में है वो ज्ञान का विरोधी नहीं है। इसलिए विक्षेप से स्वरूपम तु, जो विक्षेप है शरीर इंद्रिय विषय आदि सब दिखेंगे, उसका स्वरूप तो प्रारब्ध क्षय की अपेक्षा रखता है, प्रारब्ध क्षय वो होना चाहिए, तभी जो है विक्षेप शरीर इंद्रिय आदि ज्ञानी का शरीर आदि वो तब प्रारब्ध छिड़ हो गया तो शरीर आदि विपात हो गया, विदेह मुक्ति हो गई। इस तरह से वो यहाँ पे प्रारब्ध ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, ये श्रुतियाँ भी इसी बात को इंगित कर रही है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, आवरण नष्ट हो जाएगा, तादात्म्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन विक्षेप जो रहेगा शरीर आदि दिखाई पड़ेगा, व्यवहार ज्ञानी में होता है तो प्रारब्ध छीड़ जब तक नहीं होता तब तक ये रहेगा। इसलिए समाधान देने के लिए इसमें अविद्या लेश की कल्पना कर लेते हैं, अविद्या तो नष्ट हो गई किंतु अविद्या का लेश संस्कार मात्र, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, भ्रांति तो नष्ट हो गई तो भी सर्प जैसा दिख रहा है, सर्प जैसा दिख रहा है, इसी प्रकार यह संस्कार अविद्या लेश एक मान लेते हैं, अविद्या लेश से शरीर आदि चलता है, इसलिए सामंजस्य सामंजस्य बैठाने के लिए सब कल्पना होती है। ये सब अज्ञानी को समझ में आए बस, इसी में जो है शास्त्र का तात्पर्य है, संसार कोई परमार्थ है ये सब दिखाना नहीं, ये बात भी अभी आया था पंचदशी में शुरुआत में, यह तो श्रुते रवि प्रायः परमार्थ है का गोचर ये आ चुका है श्लोक, यही पे आया कि कहाँ आया, यही पे आया होगा, यह तो यह तो श्रुते अभिप्राय परमार्थ है का गोचर, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एक परमार्थ को ही विषय करता है, श्रुति जो है श्रुति का तात्पर्य ज्ञानी के सरूर शरीर आदि का प्रतिपादन करने में नहीं है, श्रुति का अभिप्राय तो एक परमार्थ को ही विषय करता है, परमार्थ तत्व का है, ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए ये सब कल्पना करनी पड़ती है। तो इसलिए विक्षेप का स्वरूप तो प्रारब्ध क्षय होने की अपेक्षा रखता है, इच्छते इच्छा इच्छा जो है अपेक्षा रखता है, प्रारब्ध क्षय की अपेक्षा रखता है। टीका में देख लीजिए, अविद्येक कारण कारणयोर आवृत्ति तादात्म्यो, अविद्या मात्र ही जिसका कारण है, कौन है ऐसे आवरण और तादात्म्य, स्वरूप में आवरण हो गया है और इससे जो है भ्रांति हो गई, जीव और कूटस्थ में एकता की भ्रांति, मिथ्या और सत्य में एकत्व की भ्रांति हो गई, ये जो तादात्म्य है आवरण और तादात्म्य ये दोनों के दोनों विद्येय और विनिवृत्त है, ज्ञानी जान गया है कि मैं संसारी नहीं हूँ,
मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, यानी कि अहंता तो शुद्ध स्वरूप में केंद्रित हो गई, इसलिए वो चिदाभास और कूटस्थ में एकता की जो भ्रांति थी उनकी नष्ट हो गई, चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो गया। यही तादात्म्य शब्द के द्वारा आया है, तो विद्या के द्वारा आवरण भी नष्ट हो गया और तादात्म्य भी नष्ट हो गया। जो आया था पीछे दिखाया था, ना 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 भाति नाति कूटस्थ, ना भाति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थ है भी नहीं, कूटस्थ का भान भी नहीं हो रहा है। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण नष्ट हो गया, अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण नष्ट हो गया। तो इस तरह से वो जो है भान हो गया, आवरण नष्ट हो गया, जो है तादात्म्य भी इसलिए नष्ट हो गया, भेद भ्रांति हट गई। लेकिन कर्म सहित अविद्या जन्यस्य तु विक्षेप स्वरूपस्य, कर्मों के सहित जो अज्ञान से जन्य है विक्षेप स्वरूप, जो शरीर इंद्रिय आदि है, तीन नंबर टिप्पणी में दे दी, स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभासस्य, रहित नहीं सहित, स्थूल सूक्ष्म शरीर तो उनका ज्ञानी कहे ही, तो रहित चिदाभास क्या, सहित सहित होना चाहिए, रहित नहीं। तो कर्म के सहित अविद्या से जन्य वो जो शरीर आदि जन्य है ज्ञानी का, ये जो विक्षेप स्वरूप है शरीर इंद्रिय, ज्ञानी का भी व्यवहार दिखता है, मतलब उनके लिए विषय दिख रहा है, ये जो विक्षेप स्वरूप है, तो बोले अज्ञान नष्ट हो गया तो कैसे रह रहा है, बोले देखो वो जो विक्षेप स्वरूप हुआ है, देखो इसलिए ये बात दे दी, थोड़ा समझने लायक बात है, देखो यहाँ कर्म सहित अविद्या जन्य से विक्षेप स्वरूप, अविद्या से तो जन्य है ये विक्षेप, लेकिन उसमें सहकारी कारण कौन है, निमित्त कारण कौन बन रहा है, कर्म। तभी सहकारी कारण तो नष्ट नहीं हुआ है, प्रारब्ध का तो ज्ञान से विरोध है नहीं, ज्ञान अज्ञान को नष्ट किया है, कर्म को नष्ट नहीं कर पाया है। इसलिए कर्म सहित अविद्या, कर्म रूपी सहकारी कारण से विशिष्ट अविद्या से जन्य जो विक्षेप स्वरूप है, ये कब तक रहेगा, कर्मावसान पर्यंतम अवस्थानम, कर्म की परिसमाप्ति होने पर, प्रारब्ध कर्म का जब तक भोग करके उसको हम विनष्ट नहीं कर लेंगे, तो उस कर्म के अवसान पर्यंत यह जो है विक्षेप स्वरूप का अवस्थान रहेगा, अवस्थिति रहेगी। इसलिए ज्ञानी का शरीर आदि रहेगा, व्यवहार आदि होगा, और ज्ञानी की सन्निधि में अनेक मुमुक्षु लोग जो है लाभ लेंगे, महापुरुष की सन्निधि में लाभ लेने वाले लाभ लेंगे, लाभ लेने वाले कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के लाभ लेते, कोई सांसारिक लाभ ही ग्रहण कर रहा है, कोई जो है पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति कर रहा है, तो उस लाभ लेने वालों में भी अनेक जो है अवान्तर भेद है। इति भाव, ये तात्पर्य है। आगे देखिए, ननु प्रारब्ध कर्मणो निमित्त मात्रत्वात्, बोले ये जो आप प्रारब्ध कर्म की बात कर रहे हो ये तो केवल निमित्त कारण है भाई, प्रारब्ध कर निमित्त कारण से रहे न रहे क्या होता है। जैसे देखिए कुम्हार ने घट बनाया, कुम्हार ने तो घट बनाया, अब कुम्हार मर जाए या जिंदा रहे वो घट से क्या मतलब, वो तो निमित्त कारण है। कुम्हार घट बना करके साइड हो गया, बेच दिया घट को, अब कुम्हार मरे जिए इसमें क्या है, घट तो रहेगा, जब तक रहना होगा साल दो साल छह महीने वो तो रहेगा, ऐसा थोड़ी कुम्हार मरते ही घट नष्ट हो जाए। ऐसे प्रारब्ध कर्म तो निमित्त मात्र है, इसलिए तत्सद्भाव मात्रेण उपादाने विनष्टे, प्रारब्ध के सद्भाव मात्र से उपादान नष्ट हो गया भाई, घट को तोड़ दिए उपादान नष्ट हो गया, तो क्या कुम्हार के रहने मात्र से घट बना रहेगा, मिट्टी निकाल दिए घट को तोड़ दिए तो घट तो नष्ट हो गया, ऐसा नहीं कुम्हार के रहने से घट जो है बना रहेगा। तो इसलिए तत्सद्भाव मात्रेण उपादाने विनष्टेपि कथम कार्यानुवृत्ति, उपादान का जब नाश हो गया, तंतु को जला दिए, तो निमित्त कारण जो जुलाहा आदि है, मशीन आदि जो कपड़ा बनाने वाली,
उसके रहने मात्र से पट नहीं रहता, क्योंकि तंतु जल गया तो पट भी जल गया। उपादान के नाश से कार्य का नाश हो जाता है, भले निमित्त कारण बने रहे। तो यहाँ पे भी तो प्रारब्ध कर्म तो निमित्त कारण है, उपादान तो अविद्या है। अविद्या के नाश हो जाने पर प्रारब्ध कर्म के बने रहने मात्र से कैसे कार्य की अनुवृत्ति हो रही है शरीर आदि की, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांती न्याय शास्त्र के आधार पे जवाब दे रहे। तो आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती कह रहा है देखो भाई, शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टांते न तद अनुवृत्तिम संभावयति। अन्य शास्त्र न्याय शास्त्र में जो एक दृष्टांत आता है उस दृष्टांत के आधार पर शरीर आदि की अनुवृत्ति संभव है, उसकी संभावना है, इसको दिखा रहे। शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टांते न तद अनुवृत्तिम संभावयति, शरीर आदि की अनुवृत्ति की संभावना यहाँ पे बता रहे हैं। न्याय शास्त्र में भी ऐसा होता है, कारण के उपादान कारण के नाश होने पर भी कार्य का नाश एक क्षण तक नहीं होता, आगे हो जाता है। वो एक क्षण मानते हैं, उपादान कारण का नाश हुआ एक क्षण कार्य रह जाएगा फिर आगे नाश होगा, मतलब एक क्षण वो बिना कारण के रह जाता है, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। उसी दृष्टांत को यहाँ पे देकर के सिद्धांती जो है समझाना चाहते हैं। अब श्लोक देखिए, फिर आपको लोगों पूरी प्रक्रिया मैं बता देता हूं। उपादाने विनष्टे भी क्षणं कार्यं प्रतीक्षते, इत्याहुस्तार्किकास्तद्व तस्माकं किं न संभवेत। उपादाने विनष्टे भी, उपादान का विनाश हो जाने पर भी क्षणं कार्यं प्रतीक्षते, कार्य जो है एक क्षण जो है प्रतीक्षा करता है, कारण नाश होने के बाद भी एक क्षण कार्य रहता है, ऐसा कौन कहते। इत्याहुस तार्किका, तार्किका हा किम आहु किम कथयन्ति उपादाने विनष्टे भी क्षणं कार्यं प्रतीक्षति इति तार्किका आहु, ऐसा तार्किक लोग न्याय शास्त्र को जानने वाले न्याय शास्त्र के लोग कहते हैं, उसके विद्वान लोग कहते हैं। तद्वद अस्माकं किम न किम किम न संभवित, उसके समान हमारे मत में क्यों नहीं रह जाएगा। उपादान कारण के नष्ट होने पर भी थोड़े समय शरीर चल गया तो क्या हो गया। अब आपको बताता हूं उनकी प्रक्रिया। देखिए, नैयायिक लोग मानते हैं कि कारण किसे कहते हैं, कारण का लक्षण क्या है। वो लोग कहते कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, कार्य के जो ठीक पहले रहे वही कारण बने। भाई जो है घट बनने से पहले कपाल होगा, मिट्टी अथवा मिट्टी होगी, मिट्टी कोई जो है 100 साल पहले होनी चाहिए तब घट बनेंगे, नहीं घट के ठीक पहले होनी चाहिए। भाई जैसे आज कोई पट बना, ये पट 100 साल पहले रहना चाहिए जरूरी नहीं है, कार्य के ठीक पहले रहना चाहिए, यानी पट बन रहा है उसके ठीक पहले तंतु रहना चाहिए। भोजन बनाना है, चावल 2 महीने पहले ले लेके उस समय भोजन चावल होना चाहिए, तब आप पका करके आप भात बनाओगे। सब्जी खरीद के लाते हैं, आज खरीद के लाओगे ज़्यादा से ज़्यादा कल तक बनाओगे, परसों बनाओगे, 2-4 दिन बनाओ, मतलब कार्य से ठीक पहले कारण होना चाहिए। कार्य से 2-4 साल पहले 10 साल पहले कारण हो कोई जाए इसकी इसकी मान्यता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कार्य के ठीक पहले कारण होना चाहिए। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, कार्य के ठीक पहले जो रहे वो होता है कारण। इसी तरह से वो लोग ये मानते हैं कि कारण के नाश से कार्य का नाश। जैसे देखिए, मिट्टी से तंतु से पट बनेगा,
तो मतलब पट से ठीक पहले तंतु रहना चाहिए, क्योंकि वो कारण है। अरे माता पिता पहले होंगे बाद में पुत्र होगा, अथवा सब्जी आदि पहले हम ला के काटेंगे बनाएंगे तब सब सब्जी बनेगी, भोजन बनेगा। खाद्य सामग्री पहले रहेगी तब भोजन बनेगा, अग्नि पहले रहेगी ठीक पहले रहेगी तब भोजन बनेगा। तो कोई भी कारण यही है कि कार्य के ठीक पहले होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक पहले होना चाहिए, बस इतना ही कार्य का कारण होने के लिए आवश्यक है। तो इसी प्रकार जैसे तंतु पट का कारण है, पट से ठीक पहले रहना चाहिए, ऐसे ही पट का नाश तंतु का नाश पट के नाश का कारण है। तंतु नष्ट हो गया तो भी पट नष्ट हो जाए, तो मतलब पट नाश का कारण तंतु का नाश है, इसलिए तंतु का नाश पहले होना चाहिए, जो कारण है वो पहले होना चाहिए। पट का नाश का कारण है तंतु, तंतु का नाश, पट का कारण है तंतु, पट नाश का कारण है तंतु का नाश, तो जो कारण है पहले होना चाहिए, इसलिए तंतु का नाश पहले क्षण में होगा, पट का नाश अगले क्षण में होगा, क्योंकि कारण पहले होना चाहिए। इसलिए एक क्षण बिना तंतु के भी पट रह जाएगा, ऐसा न्याय वाले जो है युक्ति लगाते हैं। ये बात आप तर्क संग्रह भी जो पढ़ा होगा वो लक्षण समझेगा कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण, कार्य के ठीक पहले कारण रहना चाहिए। तो पट नाश का कारण जब तंतु नाश है, तो पट नाश से ठीक एक क्षण पहले तंतु का नाश होगा, पट का नाश अगले क्षण में होगा। बस यही वो लोग दृष्टांत दे देते हैं कि देखो कार्य बिना उपादान कारण के भी एक क्षण रह गया। तो जैसे न्याय वाले मानते हैं कि बिना कारण के भी कार्य एक क्षण रह गया, इसी प्रकार अविद्या के बिना भी शरीर आदि कुछ समय तक रह जाता है, तो कौन सी मतलब गलत क्या हमने मान लिया। आप नैयायिक लोग तो बड़े युक्ति वाले मान, बड़े युक्ति में कुशल है, युक्ति में उनसे उनसे बढ़कर के कौन है, बड़े युक्ति में कुशल है। भले वो सुख शुष्क युक्ति लगाते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा भाषा बहुत क्लिष्ट रहती है, उनकी जो नैयायिकों की भाषा है सबको समझ में भी नहीं आएगी। इस तरह से हम लोग, हमने भी मान लिया ऐसे, तो क्या गलत किया। बिना कार्य कारण के एक क्षण कार्य रह गया शरीर आदि, जैसे वो लोग मानते हैं ऐसे थोड़े समय तक शरीर आदि रह गया, तो क्या गलत माना। तद्वद अस्माकं किं न संभवित, जैसे नैयायिक लोग मानते हैं ऐसा हमने भी मान लिया, तो क्या संभव क्यों नहीं है बताओ। ये जो है श्लोक आया। अब फिर पूर्व का उपादान है, इसके ऊपर टीका नहीं, आगे देखिए। फिर पूर्व पक्षी एक बात को पकड़ रहा है, ननु तार्किक कार्यस्य क्षण मात्रम अवस्थानम अंगीकृतम। जो तार्किक लोग हैं, नैयायिक लोग, कारण के बिना कार्य केवल एक क्षण मानते हैं। यहां ज्ञानी का शरीर क्या अज्ञान नष्ट होने के केवल एक क्षण ही रहेगा। कई साल तक ज्ञानी रह जाते हैं, 10 साल 20 साल, ऐसा थोड़ी कि 10-5 साल ही रहेंगे। सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ज्ञानी है, लंबे समय तक रहे हैं। और भी अब जैसे कठोपनिषद में यमराज जी ज्ञानी है, नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। अब वहाँ तो उनके यमलोक स्वर्गलोक में, वहाँ का एक दिन मनुष्य का जो है कितने साल के बराबर होता है, तो कितने लंबे समय तक वो रहते हैं। तो आप कह रहे हो कि तार्किक लोग कार्य को कारण के बिना एक क्षण मानते हैं। वही ननु तार्किक कार्य से क्षण मात्रम अवस्थानम अंगीकृतम। तार्किकों के द्वारा कार्य का एक क्षण मात्र अवस्थान को स्वीकार किया गया, न चिरकालम, लंबे समय तक थोड़ी मानते हैं कि लंबे समय तक रह जाते। यहाँ ज्ञानी का शरीर तो कितने समय तक रह जाता है, इत्यासंख्या। फिर ये सिद्धांति भी उसको उसी रीति से जवाब दे रहा है, श्लोक नंबर 55। तंतूनां दिन संख्यानां त
तैस्तादृक क्षण ईरितः। ब्रह्मस्यासंख्य कल्पस्य योग्य क्षण इहेष्यताम्। तंतु नाम दिन संख्या नाम, जो तंतु है उनका जीवन कितने दिन तक रहता है भाई? एक साल रहेंगे तो 365 दिन का जीवन हुआ, डेढ़ साल भी रह गए तो उसमें भी क्या 400-500 दिन ही रहेंगे, 6 महीने रहा तो कितना दिन हो, 150-200 दिन ही रहे। तो दिन में जिनका जीवन है, दिनम दिना नाम संख्या एसाम तंतु नाम, जिनका जो है जिनकी दिनों की संख्या सीमित है, थोड़े ही समय रहने वाले हैं पट, 5 महीने 6 महीने साल भर, कपड़ा कितने समय तक चलता है लगातार पहनो तो 5-6 महीने साल भर, जैसे हम लोग है रोज कपड़ा पहनते हैं, अब दो कपड़े है रोज सुबह दो दो बार स्नान किए तो एक बार तो पहनेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने चलता है, पड़ जाएगा अपने आप। तो ये जो है तो दिन संख्या वाले जो तंतु है यानी उनका जीवन दिनों में गिना जा सकता है, तो उनके लिए उन उस दिन की संख्या वाले तंतु का, उस तंतु के बिना एक क्षण रह गए, इसलिए उन्होंने थोड़ा समय कारण के बिना कार्य रह गया ऐसा माना। लेकिन यहां जो आत्मा में भ्रम है, संसार भ्रम कब से है बताओ? अनादि काल से, ये भी नहीं कह सकते ये 1 करोड़ साल पहले हुआ, 1 करोड़ साल पहले हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते, 50,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ ये भी नहीं कह सकते, 100,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते। अब बताओ कितने अनादि काल से जो है संसार चल रहा है, तो ये जो अविद्या रूपी कारण कब से है? अनादि काल से है। इस कारण के अनुसार जो है आप कार्य कितने क्षण आगे रहेंगे कल्पना करो ना। तंतु तो चलो 100-200 दिन रहा, इसलिए उस कारण के बिना कार्य जब एक क्षण रह गया तो यहां तो भ्रांति अनादि काल से, अविद्या अनादि काल से है, इसलिए यहां उस अविद्या के बिना भी शरीर आदि 5-10 साल 20 साल रह गए तो कोई गलत नहीं है, उस नैयायिकों की युक्ति के अनुसार कोई गलत नहीं है। तंतु नाम दिन संख्या नाम तैस्तादृक क्षण ईरित, तंतु जो है दिन की संख्या वाले जीवन उनका है, गिना जा सकता है कितने दिन तक, तो उन ऐसे दिन संख्या वाले तंतुओं के उनका जो क्षण है छोटा क्षण मा उसको उसी प्रकार का क्षण छोटा माना गया है। और यहाँ तो ब्रह्मस्य असंख्य कल्पस्य, असंख्य कल्प बीत गए भ्रांति से, अनादिकाल से भ्रांति चल रही अविद्या अनादिकाल से, तो असंख्य कल्प वाले भ्रम के लिए योग्य क्षण यह सेताम, यहाँ योग्य क्षण कल्पना करो, कम से कम 5-10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ही मान लो कोई गलत नहीं, क्योंकि अनादि अनादि का मतलब कोई 100 करोड़ साल पहले ऐसा भी नहीं बोल पाओ, अनादि है ना, इसलिए वो बोल नहीं पाओ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि उनके लिए एक क्षण ही रहता है, आप तो कई साल मान लिए हो भाई, उनका जो है तंतु कारण 100-200 दिन पहले तो दिन तक ही उसका जीवन है, यहाँ तो अनादि काल से अविद्या चल रही, इसलिए शरीर आदि उस अविद्या के बिना भी 10-20 साल रह जाए कोई गलत नहीं है। अरे भाई 28 कल्प कोई ले, भ्रम का अनादि काल से चल रहा है ना, अनादिकाल 28 कल्प क्या होता है, अनादिकाल की अपेक्षा 28 कल्प भी कुछ नहीं है। चलिए देखिए कोई नहीं, ये देखो युक्ति के द्वारा थोड़ा समझा रहे, युक्ति का जवाब युक्ति से दिया जा रहा है, बाकी भी बता दिया कि भाई अप्रारब्ध कर्म उसका विरोधी नहीं है। अब जैसे लाइट चली गई तो भी पंखा थोड़े समय तक घूमते रहेगा, कहीं नहीं घूमेगा क्या? लाइट चली गई तो भी पंखा थोड़े समय तक घूमते रहेगा, बाण को आपने छोड़ दिया
तो आप उसको वापस लेना चाहो तो नहीं आएगा, जब तक उसका वेग है तब तक चलेगा। प्रारब्ध कर्म को उसी प्रकार छूटे हुए बाण के समान मानते हैं। तो यहाँ एक तो यहाँ तो एक युक्ति दे रहे हैं, आप इस युक्ति को थोड़ा युक्ति के हिसाब से लीजिए, उसको आप पूरी तरह से जीवन में उतार मत लीजिए, थोड़ा युक्ति को युक्ति के हिसाब से लीजिए, वो भी दूसरे के शास्त्र के युक्ति के आधार पर समाधान दे रहे। टीका में देखिए, तंतु नाम इति संसारस्य अनादि कालम आरभ्य अनुवृत्तत्वात्। ये जो संसार है कब से आरंभ हुआ, अनादि काल से आरभ अनुवृत्त हो रहा है, चल रहा है। इसलिए तत्त संस्कार वशेन कुलाल चक्र भ्रम हुआ चिरकालानुवृत्ति न विरुद्धते। जैसे कुलाल ने दंड से घुमा दिया चक्र, अरे घुमा दिया 5 मिनट तक घूमते रहता है भाई, जो है लाइट चली गई पंखा कम से कम 1 मिनट तक घूमते रहता है। अब ये संसार अनादि काल से चल रहा है, उसके संस्कार के बल से, संसार का जो संस्कार है थोड़ा लंबे समय तक तो चलेगा ही, इसलिए उसके संस्कार के बल से कुलाल चक्र ब्रह्म के समान चिरकालानुवृत्ति न विरुद्धते। चिरकाल तक अनुवृत्ति विरुद्ध नहीं थी भाव। एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए, संसारस्य यह संस्कार, संसार का जो संस्कार है कौन सा संस्कार, प्रारब्ध विक्षेप रूप, प्रारब्ध से जो विक्षेप रूपी दिख रहा है संस्कार, हाँ तदवसेन उसके बल से थोड़ा लंबे समय तक शरीर चल गया, 5-10 साल 20 साल कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही, देखो काउंटिंग की है। अब मान लो, मानना ही पड़ेगा संसार, क्योंकि अनादिकाल से, मैं पहले ही बता दिया अनादिकाल का मतलब कोई 100 करोड़ वर्ष नहीं होता है, अनादि का मतलब अनादि ही होता है। चलिए देखिए अभी टीका, बोले तार्किक लोग ये मनगढ़ंत कुछ भी कल्पना कर लेते, आप थोड़ा शास्त्र जानने वाले आप लोग ऐसे कल्पना करने लगोगे तो कैसे काम चलेगा। ननु तार्किकर यथा अयुक्तम अभीतम, तार्किक ने तो युक्त नहीं कहा, बिना कारण के कार्य कैसे रह जाएगा। वो तो जो कारण का उन्होंने लक्षण किया है ना, वो लक्षण को लेकर के वो लोग फंस रहे थे। भाई आपने कारण का लक्षण किया, कार्य से ठीक पहले जो रहे वो कारण है। इसी प्रकार तंतु पट नाश का कारण है तंतु नाश, तंतु नाश पहले होगा, पट का नाश अगले क्षण में होगा, वहां पे वो लोग फंस रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए बिना कारण के भी कार्य एक क्षण रह जाता है, तो उन्होंने गलत माना है। तो आप लोग तो शास्त्र को जानने वाले, आप लोग गलत क्यों मान रहे हो, बिना कारण के कार्य कैसे रहेगा। ननु तार्किकर यथा अयुक्तम अभिहितम, तार्किकों के द्वारा जैसे गलत कहा गया, अभिहितम कथितम गलत कहा गया, युक्ति संगत बात नहीं कही गई, तद्वत भवतापि, उसी प्रकार आपके द्वारा भी ऐसे गलत मलत कुछ भी बोला जा रहा है। इत्याशंक्य, इस तरह से आशंक, पूर्व पक्षी आशंका किया, उस आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती बता रहा है, देखो भाई ऐसी बात नहीं है, तार्किक लोग तो बिना प्रमाण के ऐसा माने, लेकिन हमारे पास तो शास्त्र में भी ये सब बातें आती हैं। शास्त्र स्वयं कह रहा है कि ज्ञानी ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, नितराम स्थिति है, उसी को तो ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। ऐसे ही हर किसी को तो ब्रह्मनिष्ठ कर नहीं देंगे, और भी बहुत सी बातें हैं। अर्जुन देखो अनुभव बताए गीता में, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मया च्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन आखिरी बता रहे हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण आ गया। कौन सा स्मरण आ गया, स्वरूप विषय विषयणी स्मृति आ गई, तो चित जड़ की ग्रंथि था पहले, अब मुझे उस चित जड़ ग्रंथि का भेदन हो करके मैं अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो गया हूं,
मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, ऐसे स्वरूप का मुझे स्मरण हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। और स्थितोस्मि हम गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, फिर वहां बताए आखिरी में करिष्ये वचनम तव, ज्ञान नष्ट हो गया तो भी बोल रहे आप, आपकी वाणी का मैं पालन करूंगा। तो ज्ञानी में कर्तव्यता बुद्धि होती है क्या कि मैं तुम्हारे वचन का पालन करूंगा? कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बुद्धि है ज्ञानी किस बात का? तो वहां पे उसका समाधान दिया गया, अर्जुन ये बोल रहे कि हमारा, मुझे मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन आप हमारे गुरु हैं, इसलिए आपकी वाणी का मैं पालन करूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। तो मुझे मुझे अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं, करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करूंगा, मुझे मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस तरह से ऐसा समाधान कई टीकाकारों ने दिया है। मतलब ज्ञान के बाद जो है कर्तव्यता बुद्धि सब हट जाती है, तो शरीर आदि तो प्रतिभास होता है लेकिन कर्तव्यता बुद्धि नहीं रहती। तो यहां भी वही बात बता रहे कि तार्किक लोग भले वो कुछ भी युक्तियों से मान लिए है, लेकिन हम तो शास्त्र के आधार पे मानते हैं, इसलिए हमारा जो वचन है तार्किक वचन से विषम है, अलग है। हमारा वचन जो है शास्त्र के अनुसार है, इसलिए तार्किकों जैसे हमें नहीं समझ लेना आप। हम जो है शास्त्र की युक्तियों के आधार पे और शास्त्र के वचनों के आधार पे बता रहे हैं, इसलिए अज्ञान नष्ट होने पर भी कुछ समय तक वो चल जाएगा शरीर आदि, इसमें कोई दोष नहीं है। देखो दो नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, दो नंबर टिप्पणी थोड़ा, यद्यपि यस्मिन क्षणे तत्तु नाशः तस्मिन्नेव क्षणे पटस्यापि नाशो भवति इति दृष्टचरम। जिस क्षण में तंतु का नाश होता है उसी क्षण में पट का भी नाश हो जाते हैं, तो देखा गया है, दृष्टचरम पूर्वम दृष्टम, पहले देखा गया। तथापि फिर भी नैयायिकों ने बिना विचार के ही तंतु नाशानंतरम क्षण मात्रम पट स्थिति स्वीकार स्वीकृता, बिना विचार के ऐसे जो है उन्होंने तंतुनाश के बिना, तंतुनाश के बाद एक क्षण तक पट की स्थिति मान ली। तो उन्होंने तो गलत माना, आप क्यों गलत मान रहे हो? यहाँ सिद्धांति बता रहे नहीं, हम गलत नहीं मान रहे, हम शास्त्र के आधार पे मान रहे हैं। इसको अगले श्लोक में दिखाएंगे, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।